और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी शोरगुल के बीच प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी की जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात हुई। इसके बीच आपको बता दें, इसके बाद एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बात करते हुए जगतगुरु ने यहां तक कहा कि उन्होंने 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी को विजय होने का आशीर्वाद दे दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी जीत का आशीर्वाद दिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, ये दो नाम आपने लिए हैं, ये कोई साम्य नजर आता है क्या आपको इन दोनों नामों में? दो पक्ष होते हैं व्यक्ति के, लोक पक्ष और अध्यात्म पक्ष। तो अध्यात्म में वो मेरे मित्र हैं और इस जीवन में ये मेरे मित्र हैं। तो आपकी ये जो मित्रता है गुरुदेव, इस जीवन की मित्रता, जो लौकिक जीवन की मित्रता की मैं बात कर रहा हूँ, ये मित्रता का जो इसका जो फलक है वो आपकी इनकी व्यक्तिगत मित्रता है या इसमें आप देश दुनिया राजनीति इन सबको समाये हुए हैं? नहीं, मेरी व्यक्तिगत मित्रता है, पर उसमें सब कुछ समाया हुआ है। हाँ, तो सब कुछ समाया हुआ, तो मैं इसको और, अगर मैं तो राजनीतिक बातें ज्यादा करता हूँ गुरुदेव, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपना इसमें भाव ग्रहण करूं कि इसमें राजनीतिक सफलता का आशीर्वाद भी है क्या? निश्चित। और ये राजनीतिक सफलता आप तो 2024 आ रहा है गुरुदेव, उसी का अगला चुनाव है। निश्चित निश्चित सफल होंगे मोदी। आपने आशीर्वाद दिया आज? दे दिया, विजय भाव कह दिया। विजय भाव कह दिया। तो आज जगतगुरु रामभद्राचार्य ने चित्रकूट के इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को विजय भाव का आशीर्वाद दिया। विजय भाव मैंने कह दिया। और आपने एक बात और आज बोल दी कि आप चाहेंगे आपका बार बार इसी धरती पर जन्म हो, भारत इतना श्रेष्ठ देश है। तो ये श्रेष्ठ देश, आप भारत की आध्यात्मिक परंपरा की बात कर रहे हैं या मोदी शासनकाल में जो नहीं, देश नहीं, आध्यात्मिक परंपरा की बात कर रहा हूँ। मोदी शासनकाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्या? मोदी का जो 9 साल का शासन रहा, अच्छा है शासन। हाँ। पर भारत तो सदैव प्रारंभ से इसी प्रकार का है। मैंने आज एक बात कही, आपने ध्यान नहीं दिया कि भारत में तीन शब्दों को मिलकर भारत बना है ना, भ आ और रथ। भ माने भगवान, आ माने आदर, रथ माने प्रेम, जिस पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी। तो जगत गुरु ने नाम इंडिया से भारत कर दिया आज है। इंडिया तो अंग्रेजों ने रखा था, हमने थोड़े रखा था। अच्छा, आपके लिए भारत ही है। मेरे लिए भारत ही। और मोदी को भी मैंने कह दिया भारत तुम्हारे लिए भी भारत ही, इंडिया मत करो। ये कह दिया आपने? हाँ। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, दोनों लोगों ने ये बात कही कि गाजा में बड़ा अमानवीय हो रहा है, इतने हजारों लोग मारे जा रहे हैं। जब पहले प्रारंभ किसने किया तब तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं बोले कुछ। सठे साठम समाचारित हो रहा है, आतंकवाद समाप्त हो जाए अभी समस्या का समाधान निकल जाएगा। यही हाल तो हमारा कश्मीर में हुआ, क्या करें हम। आपसे जब मैं बात कर रहा हूं और आप जहां पर बैठे हैं गुरुदेव, ये मध्य प्रदेश है और बगल में उत्तर प्रदेश है, यहां भी चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो आपकी जो दृष्टि है जिसमें कि लौकिक अलौकिक दोनों ही हिस्से हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए आपकी दृष्टि क्या कर रही है गुरुदेव? सब ठीक है, भगवान मंगल करेंगे। ये तो आपने गुरुदेव आपने गूढ़ बात कह दी, इसको सरल करके बताइए। यहाँ पर शिवराज चौहान जी आए हुए थे, यहाँ पर वहाँ के राज्यपाल भी आए हुए थे, आपका आशीर्वाद लेके वो भी गए क्या? हाँ, आशीर्वाद लेके गए। उनको भी आपने विजय भाव बोला है क्या? अब जो प्रणाम करेगा उसको विजय भाव बोलेंगे। अब कांग्रेस के लोग तो हमको प्रणाम करने कभी नहीं आए, तो उनको क्यों बोलूं आशीर्वाद? और यही इंटरव्यू सुनकर अगर कमलनाथ कल प्रणाम करने आ जाए तो? अब तो पहला आशीर्वाद दे चुके। अच्छा, दे दिया आपने। ABP News, आपको रखे आगे।